आरिता पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया। चंदन कियारी प्रखंड के आरिता पंचायत के मुखिया कार्तिक रजवार एवं वार्ड सदस्यों ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहिकमत अनुसारी एवं ग्रामीणों द्वारा पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव अशोक गोप पर अबुआ आवास योजना को लेकर गड़बड़ी करने का जो आरोप लगाया गया वे आरोप पूरी तरह निराधार है। कहा कि मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत भवन में आम सभा आयोजित की गई थी। आम सभा में गरीबों एवं जरूरतमंद लाभुक को देखते हुए नाम चढ़ाया गया है, लेकिन पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने बेवजह मुखिया एवं पंचायत सचिव व वार्ड सदस्यों पर आम सभा में अयोग्य लोगों का नाम चढ़ाने की आरोप लगाया है। परंतु जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिला है उन्हें अबुआ आवास की योजना की लाभ नहीं दी जा सकती है। कहा कि किसी के दबाव में हम काम नहीं करेंगे। वहीं वार्ड सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अबुआ आवास का आम सभा कर योग्य लोगों की नाम चढ़ाए हैं। इस अवसर पर कृष्णा कुमार माथा, अजय सिंह चौधरी, संजय बावरी, सकीना बीबी, नूरीन खातिन आदि उपस्थित थे। चंदन कियारी से जावेद अख्तर। ये जो आम सभा हुआ था 4 तारीख को, हम लोग को पंचायत भवन में हुआ था। देखिए किसी कारण से दूसरे आदमी हमको आरोप लगा रहा है, समझ गए। इस बार हम जेन्युइन गरीब को हम आगे देखेंगे, उसका बाद कोई अलावा हम किसी से हम डरने वाला नहीं है और इस बार डरेंगे नहीं। हम एकदम जेन्युइन आदमी से करेंगे काम और मिलजुल के वार्ड लेके ये गांव वाला 5 आदमी बोलेगा तो वही हम चयन करेंगे। तो फिर आखिर आपका पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आरोप लगा रहा था कि जंगल में क्या है, क्या जंगल में? तो सरासर गलत बात है। कहाँ आम सभा हुआ था? पंचायत में किए थे? नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं ना। पंचायत में आम सभा किए थे? हाँ, पंचायत में। कहाँ पर किए थे? पंचायत भवन में किए थे। तो लोगों द्वारा आपको आरोप लगाया जा रहा था? आरोप लगाने दो, वो झूठा इल्जाम लगा रहा है। वो झूठा बेबुनियादी है? हाँ, बुनियादी। अच्छा, लोग ग्रामीण भी कह रहे थे कि आप कहीं पैसा अबुआवास के नाम से पैसा वसूली कर रहे थे। देखिए, अगर कोई आपसे दुश्मन रहेगा, कोई भी रहेगा, तू बोल सकता है से ये पैसा लेके वसूली कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। अब वो आपका ऑनलाइन सूची में कितना लोगों का नाम दर्ज था? 911 कितने? 917। कितना लोगों का नाम आप सभा में चढ़ाए हैं? लगभग 450। जो जेन्युइन आदमी है उसी को चढ़ाए हैं, और बाकी आदमी जो बड़ा आदमी है उसको नहीं चढ़ाए हैं। तो 450 लोगों का चढ़ाया, वो 450 का नहीं चढ़ाया, तो क्या वो लोग जग लाभुक नहीं है? लाभुक देखिए, हम वार्ड नंबर को और उप मुखिया को सौंप दिए थे सारा कागज, क्योंकि देखिए हमको 25-25 को करके दीजिए। हम वीडियो साहब से बात किए थे एक रोज से, देखिए मुखिया जी हमको जरूरतमंद है, हाँ जरूरत जो है वही दीजिएगा और 50% दीजिएगा, और 50% से ज़्यादा होगा तो हम लोग जाँच में चल जाएंगे। क्लियर? हम सीधे साधे बोलते हैं, समझ गया। उसी चलते हम अवार्ड नंबर को सौंप दिए, उप मुखिया को सौंप दिए, ताकि 25 को करके हमको दीजिए, जो गरीब है उसी को दीजिएगा, बड़ा आदमी को नहीं दीजिए। मतलब जरूरतमंदों को आप नाम चढ़ाए? हाँ, चढ़ाए। और जो लोग काटे वो सब क्या, मतलब इनका जरूरत नहीं था? घर मिला है, किसी के आस पास में मिल गया है, किसी से नौकरी है, उसको कैसे हम दे देंगे, बोलिए। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण कुमार माथा है, आरता पंचायत के वार्ड नंबर 16 से है, वार्ड सदस्य। तो कल ही बड़ी गंभीर आरोप लगाया जा रहा था आप लोग पर, मुखिया पर और आपका पंचायत सचिव पर, कि नहीं आम सभा जो हुआ है उबावास का वो किसी जंगल में बैठ के हुआ है। क्या जंगल में आम सभा किए हैं पंचायत भवन? नहीं, ये बेबुनियाद है। ये पंचायत का सभी नागरिक को और जरूरतमंद आदमियों को देख करके हम लोग जो भी काम किए हैं, और ये पंचायत भवन में ही हम लोग का ग्राम सभा हुआ था। उसके बाद हम लोग कुछ कारण बस हम लोग जो आरोप लगाया गया है कि वहाँ जिस तरह हम सुने हैं कि ये समाचार में सुने हैं कि बारूद फैक्ट्री के यहाँ होता है, हो रहा था, ये क्या कहते हैं, बैठक हो रहा था आम सभा का, तो वो आपसी बैठक था हम लोग का, समझे। लेकिन ये आरोप जो है बेबुनियाद और जनता के हित में ही काम किया गया। वो लोग बोल रहा था कि सभी वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड से, मुखिया उसमें है, सभी प्रकार से देख रेख के साथ हम लोग आज जो बैठक में है। कितने वार्ड सदस्य यहाँ पर आए हैं आप लोग? यहाँ हम लोग 12 सदस्य उपस्थित।
क्या है आप पंचायत के? ये वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि हूँ, 8-15 का। तो कल कोड़िया गांव के बारी टोला में मुखिया पर, वार्ड सदस्य पर और पंचायत सचिव पर बड़ी आरोप लगाया गया था कि अबुआवास के नाम, अबुआवास का जो आमसभा हुआ है वो आपका जंगल में बैठ के किया गया है और योग्य लोगों का नाम नहीं जोड़ के और योग्य व्यक्तियों का नाम जोड़ा जा रहा है। नहीं नहीं, ये सारा से झूठ है। ये जो योग्य लोग का नाम चढ़ा हुआ है इसी में, किसी अजग का नाम नहीं चढ़ा हुआ है। और जो बोल रहा है पैसा का खिला हुआ है कि कोई किसी से पैसा लिया, उसका तो कोई प्रूफ चाहिए, कौन दिया है कि लिया है, उसका तो कुछ भी नहीं है, झूठा बोलने से हो जाएगा। आप लोग पैसा किसी से नहीं लिए? नहीं लिया है, उसका कोई प्रमाण चाहिए ना, जहाँ पैसा लिए हैं, कोई फोटोग्राफी कोई वगैरह चाहिए ना। महिला लोग बोल रहा था कि पैसा बोलिएगा तो उसको कोई प्रूफ चाहिए ना भाई, उसका हम पैसा लेवे नहीं किए हैं किसी से। हाँ तो आपका वार्ड में या तो पंचायत जो गरीब लोग हैं, गरीब मिलेगा आवास? हाँ उसका जरूर मिलेगा, जिसका जग है उसको जरूर मिलना चाहिए। तो आमसभा में लोगों का नाम चढ़ गया है? हाँ चढ़ गया है। गरीब लोग? गरीब लोग। तो बारी टोला के लोग बता रहा था कि नहीं, नहीं चढ़ा है बारी लोग? नहीं चढ़ा हुआ, रजिस्टर में रजिस्टर देख लीजिए, रजिस्टर में दिखा दे मुखिया साहब, उसमें चढ़ा हुआ है। बारी टोला के लोगों का नाम चढ़ा हुआ है? चढ़ा हुआ है उसमें, जो जग लोग जो जग लगे उसका चढ़ा हुआ है।